बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। दिस कंपनी इज लेड बाय डॉक्टर शाजिया नईम एज अ सीईओ एंड डॉक्टर नईम खालिद एज अ चीफ एडिटर। आई एम वकास अहमद, एमफिल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कैम्ब्रिज असेसर फॉर ए लेवल फर्दर मैथमेटिक्स। आई एम सर्विंग कैंटर पब्लिशर एज राइटर एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर मैथमेटिक्स सिंस 2014। डियर स्टूडेंट्स, एज वी आर स्टडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक वन एंड वर्क बुक वन, और हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जो रिसोर्स पैक है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है, और इसको देखकर वो बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि किस तरह इन दोनों बुक्स को पढ़ाया जाए। लेकिन आज हम लोग इसके साथ फोर्थ बुक शामिल करेंगे, वो समर पैक है। समर पैक में आपसे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं ग्रेड वन की, उनका होमवर्क है जो कि आपने छुट्टियों में घर पे करना होता है। आपने क्या करना है, जो काम हम लोग टेक्स्ट बुक और वर्कबुक से करेंगे उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स का जितना काम होगा वो आपने साथ साथ समर पैक में भी किया करना है। चलें हम लोग बुक की तरफ आते हैं। टेक्स्ट बुक वन, हम लोग स्टडी कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स यूनिट वन। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है नंबर 0 to 9। इसके ऊपर हमारी 3 वीडियोस बन चुकी हैं जो कि आप देख भी चुके हैं। और इसके बाद हमारा 1.2 टॉपिक है नंबर्स अप टू 100। नंबर्स अप टू 100 में हम लोग जितने भी 100 से नीचे नंबर्स आएंगे इंक्लूडिंग 100, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है इसके ऊपर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा 1.3 है, वो कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स है। चले आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा प्रीवियस वाला है नंबर्स अप टू 100 है, और जो इसमें SLO डिस्कस होंगे वो ये हैं। SLO का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब यहां पर जो फर्स्ट SLO है, राइट नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्लेस द मिक्स्ड नंबर्स इन ऑर्डर, ऑर्डर द सेट ऑफ नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू 99, काउंट इन टेंस एंड ऑर्गेनाइज 100 एज अ नंबर, आइडेंटिफाई एंड राइट मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 100। आपने 1 से लेकर 99 तक नंबर सीक्वेंस में राइट किए थे, उसके साथ एक 3 डिजिट नंबर लगा दें तो वही नंबर्स हमारे पास 1 to 100 बन जाते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुक पेज नंबर 18 ओपन करें टेक्स्ट बुक का। हमारे पास यहां पर कंपेयर 1 and 2 digit नंबर्स हैं। नंबर्स को ऑर्डर में राइट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो गिवन नंबर्स हैं उनको आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चले कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। चले बोर्ड की तरफ आए, मैं वहां पर आपको बताता हूं। आपने वो टेक्निक्स याद रखनी है, अगर आपने वो टेक्निक्स याद रख ली तो आप कोई भी गिवन नंबर्स कंपेयर कर लेंगे किसी भी नंबर्स को, और फिर उसके बाद आप अपने नंबर्स को ऑर्डर्स में राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने ये चीज सीखी थी हमारे प्रीवियस सेशंस में कि जब भी हम लोगों ने नंबर्स को ऑर्डर्स में राइट करना होता है तो हमें उनको कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो हम लोगों ने यह चीज सीखी है नंबर्स जो 1 digit नंबर थे, प्राइमरी नंबर्स थे, उनको कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम लोग जो है वो 2 digit नंबर्स को 1 digit के साथ और 2 digits को 2 digits के साथ सीखेंगे। उसमें भी एक टेक्निक है, और ये टेक्निक जब आपको समझ आ जाती है उसके बाद आप इजीली नंबर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। लेट्स सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये हमें पता है कि ये 1 digit नंबर थे सारे के सारे। अब हमें चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट 2 digit नंबर कौन सा था, वो भी हमने सीखा था, वो 10 था। और फिर यहां से लेकर 10 से लेकर आगे हम फॉरवर्ड करते थे, मूव होते हैं 99 तक जाते हैं। और ये जो 99 है, ये
लास्ट टू डिजिट नंबर है हमारे पास। इन थ्री डॉट्स का क्या मतलब होता है कि जो बिटवीन सारे के सारे नंबर्स हैं 10 और 99 के दरमियान, वो सारे इस लाइन में इंक्लूड हैं। मतलब जीरो से लेकर मैंने 99 तक सारे नंबर राइट कर दिए। अब हमने ये चीज सीखनी है कि टू डिजिट नंबर्स और वन डिजिट नंबर्स को चेक करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर हमने टू डिजिट नंबर्स को देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए कोई से भी दो नंबर लेते हैं। यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है जो मेन चीज है कि आपके लेफ्ट साइड पे इस लाइन की लेफ्ट साइड पे इस साइड पे जो भी नंबर होगा कोई भी नंबर चूज कर ले। सपोज मैंने 3 चूज किया, इससे जितने नंबर लेफ्ट साइड की तरफ होंगे वो सारे के सारे लेस नंबर होंगे, जो इसके राइट साइड की तरफ नंबर होंगे वो सारे के सारे ग्रेटेस्ट होंगे। कोई भी नंबर इस लाइन के ऊपर चूज करें, वहां पर जो लेफ्ट साइड पे उस नंबर के जो आपने चूज किया है वो ग्रेटेस्ट होगा, लेफ्ट साइड पे सॉरी स्मॉलेस्ट होगा, और राइट साइड पे हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जब आपने टू डिजिट नंबर को कंपेयर करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपने इनको वर्टिकल कॉलम्स में राइट करना है। ये चेक करें, आपके पास ये वंस वाला कॉलम है और ये टेंस वाला है। सपोज मेरे पास टू नंबर्स हैं, एक मैं नंबर लेता हूं यहां पर 39 और दूसरा मैं नंबर ले लेता हूं यहां पर 54। ये मेरे पास टू नंबर्स हैं, ये टू डिजिट नंबर हैं दोनों। अगर मेरे पास तीसरा नंबर है मैं 8 ले लेता हूं, ये वन डिजिट नंबर है या टू डिजिट नंबर है। आप एक चीज याद रखें, जो वन डिजिट नंबर होगा वो हमेशा लेस होगा टू डिजिट नंबर के साथ। ये तो यहां पर ही आपने कंफर्म कर देना, यहां पर आंखें बंद किए बगैर राइट कर देना, जो फर्स्ट वन डिजिट नंबर होगा वो हमेशा लेस होगा किसी भी टू डिजिट नंबर के से, टू डिजिट और थ्री डिजिट वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। बट जब इनको आपने कंपेयर करना है आपने इनको ऑर्डर में राइट करना है। कैसे? आपके पास जो फर्स्ट नंबर था इस कॉलम में राइट करें, कैसे? पहला नंबर है 39, 9 जो वंस की प्लेस के ऊपर आएगा, टेंस पे 3 आएगा, फिर 54। देखें जरा, सबसे पहली जो चीज आपने यूज करनी है वो टेंस की पोजीशन को देखना है, इन पोजीशंस को। अब यहां पर जो चीज टेंस के नंबर के ऊपर जो ग्रेटर होगी, अब इन नंबर्स को देखें कौन सा नंबर यहां पे ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है या 5 ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है। तो इट मींस यहां से ही आपने चूज कर लेना है, सिर्फ इसको कंपेयर करना है टेंस वाले नंबर्स को, उसके बाद आपने इनको फिर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। टेंस की पोजीशन को कंपेयर किया, जो नंबर यहां पर ग्रेटर होगा वो होल नंबर ग्रेटर होगा, और जो नंबर यहां पर ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा वो होल नंबर स्मॉलर होगा। यहां से ये कंक्लूड हुआ कि 5 जो है यहां पर ग्रेटर है और 3 लेस है। इट मींस के 54 जो है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, देन 54 इज ग्रेटर देन 39। ये टेक्निक आपने याद रखनी है। आपने क्या करना है कि टेंथ वाली पोजीशन के नंबर्स को कंपेयर करना है। अगर यहां पर नंबर्स सेम आ जाए, अगर यहां पर इन पोजीशंस के ऊपर नंबर्स सेम आ जाएं, सेम कैसे? लेट्स सी, मेरे पास यहां पर 39 है और यहां पर भी मैं 39 की बजाय मैं 34 लेता हूं। तो अगेन आपने यही प्रोसीजर करना है,
जो यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, कॉलम बनाने हैं टू, वंस टेंस, ये कॉलम बनाए, इनमें नंबर्स राइट किए 39, 34। कहां से स्टार्ट किया, यहां से कंपेयर करना। अब यहां पर देखें, अगर ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं, ये दोनों सेम है, तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है, इसके ऊपर आना है, इनके ऊपर देखें, जो नंबर अब वंस प्लेस के ऊपर ग्रेटर होगा वही होल नंबर ग्रेटर होगा, और जो यहां पर स्मॉलर होगा वही होल नंबर स्मॉल होगा। अब यहां पर कंडीशन क्या है, 9 जो है, 9 इज ग्रेटर, सो ग्रेटर देन 4, सो 39 जो होल नंबर है, सो 39 इज ग्रेटर देन 34। इसी को मैं इस तरह रीड कर सकता हूं, या ये स्टेटमेंट लिख दें, या 34 इज स्मॉलर देन 39, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है, इसी तरह बल्क ऑफ नंबर्स गिवन होंगे 3, 2, 4, 5, उनको आपने इसी मेथड से कंपेयर करना है, और फिर हमने ऑर्डर्स करना है। ऑर्डर कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट पेजेस के ऊपर चलते हैं, वहां पर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, ये असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोग सीख चुके हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर्स इन ऑर्डर 0 to 99, ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर आपने किसी ना किसी पिछले सेशन में देखी है। आप यहां पर देखें कि ये असेंडिंग है, असेंडिंग का मतलब ये था कि अगर ये बच्चा यहां से स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो वो असेंडिंग में है, असेंडिंग पोजीशन में है, अगर वो यहां से टॉप से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है तो वो डिसेंडिंग पोजीशन में, डिसेंडिंग में है। अब जरा देखें इसके बाद, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने सीखा था, पढ़ा भी था, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट जो ऑर्डर देखेंगे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। जरा इस पिक्चर के ऊपर गौर करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, ये हर नंबर के ऊपर कुछ रेलेवेंट बॉक्स हैं कॉरस्पॉन्डिंगली जो गिवन है। यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर, अगर यही डेफिनेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर की है तो असेंडिंग ऑर्डर की क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में भी ऑलमोस्ट हमने यही पढ़ा था कि हम लोग स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं। फिर आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, तो हम लोग लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं, यही चीज ऑलमोस्ट हमने डिसेंडिंग में पढ़ी थी। बट देखें जरा, कॉरस्पॉन्डिंगली जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बॉक्सेस गिवन है, वन से लेकर सॉरी फाइव से लेकर वन की तरफ जा रहे हैं, फाइव ग्रेटेस्ट है और वन स्मॉलेस्ट है, तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो डिसेंडिंग क्या हुआ फिर, लेट्स कम टू द बोर्ड और वहां पर हम लोग इनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या चीजें हैं आपस में। स्टूडेंट्स अब हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ आते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का मैंने आपको बताया था क्या चीज है, प्रीवियस सेशन में भी बताया था और हमने कुछ नंबर्स को ऑर्डर में राइट भी किया था, और वो थे हमारे पास वन डिजिट नंबर्स। अब हम लोग टू डिजिट नंबर्स की तरफ आते हैं। टू डिजिट नंबर्स में क्या चीजें हैं कि आप लोगों ने कंपेयर वैसे ही करना है जैसे आपने कंपेयर करना टू नंबर्स और टू और मोर नंबर्स को सीखा है, अब लेकिन उनको ऑर्डर्स में उसी तरह राइट करना है कि सबसे पहले अगर हम लोग असेंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंड देन
उसके बाद जो छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एट द एंड सबसे जो छोटा नंबर है वो राइट करना है। ये आपके पास डिसेंडिंग आ जाती है। और जो असेंडिंग है वो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को राइट करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एट द एंड सबसे बड़ा नंबर राइट करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, 3, 4, 34, 21, 32, 41 एंड 23। अब मैंने कंपेयर यहां से करना सीखना है। ये टू डिजिट नंबर्स हैं सारे, अगर इनमें कोई वन डिजिट नंबर सिंगल आ जाए तो वो सबसे छोटा होगा। वो मैं आपने आंखें बंद करके ही बता देना है कि जो अगर बिटवीन टू डिजिट नंबर्स कोई भी वन डिजिट नंबर प्लेस हो तो वो आपके पास हमेशा छोटा होता है। अब यहां पर टू डिजिट नंबर्स हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करना है कि जिस तरह आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले आपने ये चीजें चेक करनी है, वंस प्लेसेस। अब देखें इन्हीं नंबर्स को मैं असेंडिंग में लिखना चाहता हूं, असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले एक चीज चेक करें, आप अपने साइड पे रफ पे राइट करें यहां पर जो नंबर सेम आते हैं। ये थ्री सेम है, थ्री सेम है, फिर ये टू सेम है, अगेन हमारे पास ये टू सेम है। अब यहां पर एक चीज चेक करें, टू जो है मेरे पास, जो टू है वो टू टाइम्स है, टू 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 टाइम्स, लेकिन ये थ्री से लेस है। आप इसको अपने साइड पे रफ पे राइट करें, ये रफ बॉक्स बना लें। यहां पर आपके पास 23 और 21 है। अगेन आपने क्या करना है, फिर आपके पास कौन से नंबर्स हैं जो सेम है, इससे टू के अगला नंबर, टू से अगला नंबर जो है वो आपके पास थ्री होता है। अब थ्री वाले जो भी हैं, ये हम लोग टेंस प्लेसेस को कर रहे हैं। किसको, टेंस को, टेंस प्लेसेस जो सेकंड वाली हैं, ये वाली कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए जरा, थ्री वाला बन जाता है, एक आपके पास 32 बनता है और दूसरा 34 बनता है। अगेन देखें जो बाकी जो नंबर बचता है वो 4 है। हम सिर्फ टेंस वाली पोजीशन देख रहे हैं, 4 को देखें 41 है। हम जा किस तरफ रहे हैं, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ मूव करना। अब यहां पर देखें, आपके पास ये टू नंबर्स हो गए सेम, ये टू नंबर हो गए सेम, ये सेपरेट है। इसका मतलब है ये जो 4 है वह ये 2 और 3 दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब यहां पर और कोई भी नहीं है, 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर आ गया। नेक्स्ट देखें, अब आपने इनसे कंपेयर करना है, ये दोनों चीजें तो सेम है, टेंथ प्लेसेस। अब वंस वाली देखें, एक वंस प्लेस के ऊपर 1 है, एक आपके पास 3 है। अब फिर वहां पर जाना है 0 से 9 की तरफ। आपको मैंने बताया था किसी नंबर को चूज करें उससे राइट साइड वाला ग्रेटर होता है और लेफ्ट साइड वाला स्मॉलेस्ट होता है। अब ये जो 1 है, 1 के बाद 3 आता है, तो इसका मतलब 3 ग्रेटर है, 1 स्मॉलेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना वो 21 बना, तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर को राइट कर दूंगा, 21 को यहां पर राइट किया, फिर उसके बाद 23 को राइट किया। अगेन मैंने क्या किया, यहां पे कंपैरिजन किया, टू नंबर्स हमारे पास कंपेयर हो गए और हमें पता है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब यहां पर चेक करें, इन नंबर्स के ऊपर जब आपने चेक किया 32 और 34 है, 34 को देखें और कंपेयर करें सेकंड वंस प्लेस के ऊपर, ये 2 है और ये 4 है। अब यहां पर देखें, 4 इज ग्रेटर एंड 2 इज स्मॉलेस्ट, इसका मतलब है जो 23 से बड़ा नंबर अगला आएगा वो 32 आएगा और 34 उससे बाद में आएगा। अगेन राइट, 32 एंड 34।
अब जो एंड पे हमारे पास नंबर बचा था वो ग्रेटेस्ट था, वो हम लोगों ने राइट कर दिया। ये जो है ऑर्डर हमारे पास कंप्लीट हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करना था। डिसेंडिंग क्या था, कंपैरिजन वैसे ही करना है जिस तरह मैंने आपको असेंडिंग में बताया, लेकिन आपने करना क्या है, जहां पर आपने सबसे छोटा नंबर लिखा था आपने यहां डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर लिख देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, यह चीज आपके पास आ गई, आपने क्या किया, सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखा 41, उससे स्मॉलेस्ट कौन सा था 34, 34 से स्मॉलेस्ट कौन सा था 32, एंड अगेन 23 एंड 21। सो दिस इज आर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपकी जो डेफिनेशन है असेंडिंग की, कि हम लोग डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं और असेंडिंग में स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। अब आ जाएं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ। एक चीज याद रखनी है, इंक्रीजिंग का मतलब भी यही चीज होती है कि स्मॉलेस्ट नंबर से आपने ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, और डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज करना है। इंक्रीज का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब यहां पर एक और चीज देखें, लेकिन एक डिफरेंस है असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। आपने इन नंबर्स में एक चीज ऑब्जर्व की कि इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। चेक करें, कोई नंबर यहां पर रिपीट नहीं हो रहा। तरीका वही है कंपैरिजन करने का, बट अगर कहीं पर रेपिटिशन आ जाए वहां पर असेंडिंग डिसेंडिंग की बजाय हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को यूज करते हैं। अब सपोज मेरे पास इसी एग्जाम्पल के अंदर अगेन यहां पर 23 आ जाता, 23 यहां पर हाउ मेनी टाइम्स, चेक करें, टू टाइम्स। जब आपके पास टू टाइम्स आ गया तो इसको हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कहेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चले जाएंगे। जैसे ही नंबर्स में रेपिटिशन आ जाती है, एक नंबर टू आर मोर देन टू टाइम्स आ जाए तो वहां पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ये हमारे नंबर्स और मैथमेटिक्स में जब हम लोग नंबर्स को राइट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। बी केयरफुल, यहां पर रेपिटिशन नंबर्स की आ जाए वहां पर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करेंगे। देखें, अब ये असेंडिंग जो है अब मेरे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बन जाएगा, इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर 23 कहां पे है, इसके बीच में एक 23 और लगा देंगे तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया, कहीं पे थोड़ा सा स्टे आ जाता है। अब नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, 23 कहां पे लगाना है, चेक करें जरा, यहां पे कहीं पे लगा देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपने कंपेयर वैसे ही करना है, लेकिन जहां पर नंबर रिपीट हो जाए वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बन जाता है, और डेफिनेशन दोनों की सेम है। इंक्रीजिंग में भी हम लोग स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, और डिक्रीजिंग में हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं। और जो आपके पास डिसेंडिंग है उसमें भी यही चीजें हैं, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस, यहां पे नंबर्स की रेपिटेशन आ जाए वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां पे सिंपल नंबर्स आ जाए वन बाय वन, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। दैट्स इट। चलिए आप बुक की तरफ आए। जी बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था नंबर्स जब 0 to 99 के बारे में हमने सीखा था। अब यहां पर देखें कि हम लोगों ने बिटवीन टू नंबर्स जब गिवन होंगे उनके दरमियान में 10 का जंप लगाना है। अगर आप नंबर 10 है, फर्स्ट टू डिजिट नंबर है ये, 10 से आप 10 नंबर्स का जंप लगाते हैं तो आप 20 पे पहुंचते हैं, फिर 20 से आप 10 नंबर का जंप लगाते हैं तो 30 पे आते हैं, 30 से 10 नंबर का जंप लगाते हैं तो
40 पे 40 से 10 नंबर का जंप लगाते हैं, 50 पे 50 पे 10 नंबर का जंप लगाते हैं तो 60 पे आते हैं, 60 से 10 नंबर का जंप लगाते हैं तो 70 पे आते हैं, 70 से फिर 10 नंबर का जंप लगता है तो आप 80 पे आते हैं, 80 से 10 का जंप लगा के 90 पे आते हैं। अब अगर 90 से 10 का जंप लगता है तो आप क्या टू डिजिट नंबर पे पहुंचते हैं? ऑब्जर्व एंड ट्राई। जब हम लोग 90 से 10 नंबर का जंप लगाएंगे हम लोग कभी भी 99 पे नहीं पहुंचेंगे, उसके लिए हमें एक नंबर की जरूरत होगी और वो फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर होगा जिसको हम लोग 100 कहते हैं। 100 कैसे बना, इसको इसकी क्यों जरूरत पेश आई, चले बोर्ड की तरफ आए हम इसको जरा बनाने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थ्री डिजिट नंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं जो हम लोग राइट करते हैं या जो हमें जिनसे वास्ता पड़ता है डेली लाइफ में, वो बेसिक 10 नंबर्स से बने हैं। वो 10 नंबर्स कौन से हैं जिनको हम लोग प्राइमरी नंबर्स कहते हैं? प्राइमरी नंबर्स क्या है? ये वाले नंबर्स थे 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके पास प्राइमरी नंबर्स हैं। इनको देखें, ये 10 नंबर्स हैं, टोटल नंबर 10 हैं, 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 0 तक जो है। अब जितने भी नंबर्स बनने हैं आगे हम लोग बनाते जाएंगे वो इन्हीं नंबर्स को यूज करके बनाएंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टू डिजिट नंबर था वो हम लोगों ने 1 और 0 को यूज किया था। एक चीज आप देखें, जब हम लोग 1, 0, 1 लिखते हैं तो ये टू डिजिट नंबर तो नहीं हुआ, इसकी जो प्लेसेस हैं वो हमने पढ़ी थी। जीरो तो यहां इस साइड पे जितने भी जीरो लगाते जाएं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसी जीरो को उठा के इधर लगा दूं तो मेरे पास फर्स्ट टू डिजिट नंबर बन जाता है, और अगर मैं 1 के साथ कोई सा भी इनमें से नंबर लगा दूं तो मेरे पास टू डिजिट, वो भी टू डिजिट नंबर ही रहेगा। सपोज मैं 9 लगा देता हूं, अगर मैं इसकी जगह 1 की जगह 2 लगाता हूं तो मेरे पास उधर से कोई 8 लगा देता हूं, ये भी टू डिजिट नंबर। सिमिलरली मैं 99 तक पहुंचता हूं और 99 बन जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे पास एक और नंबर आता है, नंबर्स की नई सीरीज स्टार्ट होती है जिनको हम लोग थ्री डिजिट कहते हैं। वो कैसे बनते हैं? अब इनको खत्म कर दिया, आगे देखें, 0, 0, 1 करता हूं तो ये चीज क्या चीज बन गई? कहीं ना कहीं कुछ तो इन डिजिट्स का नाम है ना, डबल टाइम यूज किया। अगर मैं यही इस तरह यूज कर लूं कुछ वैल्यू बन जाएगी, फिर इसकी वैल्यू बन जाएगी। जब मैं यहां पर 99 के ऊपर आता हूं तो 99 के बाद कोई ना कोई चीज मुझे ऐसी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लास्ट टू डिजिट नंबर है। जब मैं इसके साथ 2 जीरोस लगा देता हूं, 1, 2, 2 जीरोस, तो आपके पास फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर बन जाता है। और इसी तरह जब मैंने 10 वाली वो कर रहा था स्किप काउंटिंग, उसमें 10 नंबर्स का जंप लगा के हम लोग जा रहे थे, मूव कर रहे थे, तो उस वक्त हमें एक नंबर की जरूरत थी। वो नंबर कौन सा था? 10 से मूव किया था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक तो हम लोग जंप लगा के आ गए थे। लेकिन जब हम लोग यहां पर 10 का जंप लगाएंगे कैसे जाएंगे? लेट्स सी, 90 के बाद कौन सा नंबर आता है? 91, 92, 93 एंड 99। क्या ये बिटवीन इसके 10 नंबर्स बन रहे हैं? इसमें जब हम लोग 99 में 1 एक और ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर बनता है थ्री डिजिट फर्स्ट, और इसको हम लोग इस नंबर को 100 कहते हैं। अब जब ये इसकी प्लेसेस कैसे बनी, किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ,
चले हम लोग प्लेस वैल्यूज की तरफ जाते हैं। प्लेस वैल्यूज में हम लोगों ने यह चीज सीखी थी कि जो वन वाले 10 सर्कल्स थे वो एक बनाते थे आपके पास टेंस, टेंस की पोजीशन को डिनोट करते थे, जिसको हमने स्टेरिक से नोट किया था। अब देखिए जरा, आपके पास ये सर्कल्स थे 1 1 1 1 1 5, अगेन 1, ऐसे था। ये एक ग्रुप था 10 का, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता था, कैसे कि एक स्टार लेके 10, ये चीज बन जाती। अगर मेरे पास ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मेरे पास इस तरह के 10 नोट हों, करेंसी नोट्स, और मैं शॉपकीपर के पास जाता हूं, उसको कहता हूं मुझे चेंज दे दे, मुझे एक नोट दे दे, तो वो मुझे कौन सा नोट देगा? वो रेड कलर का आपको एक नोट देगा, वो 100 वाला होगा। उसमें 10 नोट होते हैं 10 वाले। ये बिल्कुल वही चीज है कि इसमें 10 स्टार्स जो होते हैं, 10 वाले 10 स्टार्स, वो मिलके उनको जब हम लोग कंबाइन करते हैं, वो आपके पास एक ग्रुप बनता है और वो एक 100 का ग्रुप होता है। सपोज देखें, अब स्टार्स को बनाया आपने, ये चीज, सॉरी, ये इसको आप रेज करें जरा, यहां तक आप लोग 90 तक तो पहुंच गए। ये 10, स्किप काउंटिंग, 10 10 10 करते जाएं। अब यहां पर कौन सी ऐसी चीज होगी, 99 बनाना है। अगर मैं यहां से सर्कल ले लेता हूं, ये कितने सर्कल्स हैं, 9, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 99 है। अगर मैं यहां पर एक सर्कल और ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, तो ये एक ग्रुप ये वाला बन नहीं गया। अगर मैं ये बिल्कुल वो ही ग्रुप नहीं बन गया, और इस चीज को मैं ये चीज राइट कर सकता हूं और वो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। जब ये चीज मैंने यहां पर राइट कर दी, ये इधर आ गई, ये उसके इक्वल था, वो इधर ले आया, मैं वही उठा के। तो अब आपके पास इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे एक चीज चाहिए जो कि मैं इनको स्क्वीज कर सकूं। वो कैसे, उसके लिए चले मैं कोई और सिंबल का नाम देता हूं। वो सिंबल है आपके पास ये 3 कॉर्नर वाली, और उसके बीच में मैं 100 राइट कर देता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो चीज बनती है, अगर 10 स्टार्स होंगे तो 100 बनेगा। तो यह चीज आपने जहन में रखनी है, या तो मैं 10 स्टार्स राइट कर दूंगा या फिर मैं ये चीज राइट कर दूंगा अपनी आसानी के लिए, और ये इस तरह जाके 100 बनता है। मींस के 99 पे जब हम लोग गए, आपके पास यहां से काउंटिंग ये 1 था 10, फिर आपके पास 99 आ गया। जब 99 में एक स्टार यहां पर हमने ऐड किया था, ये वाला, तो आपके पास ये पूरा बॉक्स 10 वाला बन गया। इस बॉक्स को हम इस स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोगों ने इन 9 के साथ ऐड किया, तो आपके पास एक कंप्लीट सेट बन गया। और ये वाला जो ग्रुप बनता है, तो उसको लिए हम लोगों ने ये सिंबल यूज की और वो 100 का प्लेस बन गई। और इसलिए हम लोग, और ये वाला जो 100 बना है हमारे पास, ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है। चले आए अब हम बुक की तरफ जाते हैं और देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन क्या, और इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन जी। तो बच्चों, आपने ये देखा
कि जब हमारे पास 10 सर्कल्स ऑफ वंस थे, ये ग्रुप में है, इस ग्रुप को मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, इट मींस के 10 वंस मेक 110। इसी तरह अगर मेरे पास ये वाले स्टार्स अगर 10 हो जाएंगे ग्रुप में, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, तो वो सारे के सारे मिलके ये 100 बनाते हैं, और उस 100 को इस शेप में मैं राइट कर देता हूं। थ्री कॉर्नर्स वाली या थ्री साइडें हैं इस शेप की, तो इट मींस 10 मेक 100। तो 100 जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये हमारा फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर है। बोर्ड पे भी मैंने आपको बनाना बताया था कैसे बनाया जाता है। चलें, होमवर्क प्रैक्टिस करनी है आपने, ये कहां में कुछ दिया हुआ, आपने पेज नंबर 21 के ऊपर आना है, और इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है, आपने एग्जाम्पल नंबर 9 करनी है। यहां पे एग्जाम्पल नंबर 9 में ये है कि 2 नंबर्स हैं, उसमें मिसिंग नंबर राइट करना है। पार्ट ए है, 12 और 14 के बिटवीन क्या है मिसिंग, 14 और 16 के बिटवीन मिसिंग क्या है, 17 के बाद क्या आता है, फिर दोनों जो बॉक्सेस हैं उनको आपने कंप्लीट करना है, ये वाले। इसी तरह ये सीक्वेंस कंप्लीट करनी है, ये सीक्वेंस कंप्लीट करनी है आपने। आप काउंटिंग देखें, 1 to 100, 0 to 99 आपने सीखा था, 1 to 99 आपने सीखा था पहले, और उसमें आपने इनकी सीक्वेंस देखी थी। 99 के बाद जब हम लोग फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर लगाते हैं तो वो आपके पास 1 to 100 हो जाती है। इसी तरह आपने एग्जाम्पल 10 को ऑब्जर्व करना है, यू मस्ट ऑब्जर्व ओनली दिस एग्जाम्पल कि ये कैसे लिखी हुई है, कैसे बनी है, 43 कैसे बना है। अब नेक्स्ट पेज पे आए जरा, आपने क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मैंने आपको बताया है क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का भी बताया है आपको क्या होता है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ डिफरेंस भी बता दिया है, वो आपने अपने माइंड में रखना है और इनको आपने कंपेयर करके कंप्लीट करना है। अब आ जाए वर्कबुक पेज नंबर 11। एक प्रोजेक्ट है, आपने अपनी मदर के साथ कंप्लीट करना है, कोई सी भी जो आपके घर पे अवेलेबल न्यूज़पेपर है वो ले लेनी है, पुरानी होगी जारी बात है, करंट डे की भी ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर मदर कट डाउन 8 डिफरेंट डिजिट्स 0 to 9। आपने डिजिट्स पढ़े हुए हैं, बेसिक डिजिट या जो प्राइमरी नंबर्स थे वो पढ़े हुए हैं 0 से लेकर 9 तक, उन डिजिट्स को कट डाउन करना है, और उनमें से आपने 2 डिजिट्स नंबर्स बनाने हैं, टेंस और वंस की प्लेस के ऊपर अपनी मर्जी से कोई से भी नंबर्स पेस्ट करते जाना है, 8 नंबर्स यहां पर रेंडमली पेस्ट कर दे, बेशक जो नंबर्स यहां पर बनेंगे उनके नंबर नेम लिख दें, और वो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर होंगे। ये आपका प्रोजेक्ट है, और एट द एंड आपने इस पेज के ऊपर अपनी मदर से सिग्नेचर करवा लेने हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, पेजेस की तरफ, आपने प्रैक्टिस बी कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऑप्शन हैं हर क्वेश्चन के, हर पार्ट के, वो आपने इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है और एक रॉन्ग है, जो करेक्ट है आपने वो चूज करना है। नेक्स्ट पेज 12 पे आए, अब देखें जरा यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, कुछ नंबर्स गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें, कुछ नंबर्स गिवन है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपने सिर्फ ऑप्शन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा आए, 2 में क्या है, आपके पास ये क्यूब्स या बॉक्सेस गिवन है, इनको कलर कर देना है, या आपने कलर द क्यूब्स टू मैच विद द फॉलोइंग नंबर्स। 11 है, ये 10 हो गए, 10 के साथ इसमें से कितने कलर करेंगे, इसी तरह ये 10 है, 10 के साथ इसमें से कितने कलर करेंगे, ये ऑब्जर्व करना है और आपने इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज में भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, आपने प्लेस वैल्यू बतानी है ईच डिजिट। सिंपली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ा करें,
आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जिस तरह ये फोर है, फोर वंस प्लेस के ऊपर है, टू जो है वो टेंस के ऊपर है, इसी तरह सबके प्लेसेस राइट करें। नेक्स्ट पेज, उसमें आपने बताना है इन वर्ड्स किस तरह नंबर्स को राइट करना है, 46 को कैसे राइट करते हैं, 58 को कैसे राइट करते हैं, 86 को, ये सारा आपका टास्क है, ये आपने घर पे कंप्लीट करना है। इसी तरह क्वेश्चन 5 है, उसमें नंबर्स को आपने न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है सबको। सिमिलरली आपको कंपेयर करना, मैंने बताया था नंबर्स को किस तरह कंपेयर करते हैं, और ये भी बताया था व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिटवीन ये किस तरह चेक किए जाते हैं, वो आपने यहां पर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आए, 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट कम्स बिटवीन, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में आपने ये लिखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये गिवन नंबर्स कैसे राइट करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग में मैं डिफरेंस आपको बता चुका हूं, आपने वो अपने जहन में रखना है। अब आ गया स्किप काउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर देखें 0 है, 0 में 10 का स्किप लगाया, जंप लगाया, तो मैं कहां पे आया, फिर इस नंबर से 10 का जंप लगाया, यहां पे आ गया, ये हमने कुछ काम पहले किया है, इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। कोई सा नंबर आप चूज करते हैं, सपोज आप यहां पर 5 चूज किया, 5 पे 10 का जंप लगाया, तो मैं कहां पे पहुंचा, फिर वो ऑलमोस्ट 15 बनता है, 15 से 10 का जंप लगाया, इस तरह आपने स्किप काउंटिंग ये कंप्लीट करना है क्वेश्चन, और एट द एंड आपने अपने टीचर से को काम चेक करवा के उनसे सिग्नेचर ले लेने हैं। आज हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, देखते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। नंबर्स अप टू 100 हमारा टॉपिक था, इसमें हमने ये वाले एसएलओएस डिस्कस किए, राइट नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्लेस द नंबर्स इन ऑर्डर मिक्स्ड ऑर्डर, ऑर्डर द सेट ऑफ नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू 99, डेफिनेटली हमने किया, काउंट इन टेंस एंड रिकॉग्नाइज 100, यस हमने किया, आइडेंटिफाई एंड राइट मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस, ये भी हमने किया, और नंबर्स क्या थे 1 to 100, मतलब ये था कि हमने काउंटिंग तो सीखी हुई थी 1 से लेकर 99 तक, अगर 99 के बाद 3 डिजिट फर्स्ट नंबर लिख दें तो वो हमारे पास 1 to 100 बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अगर कुछ क्वेश्चन या सजेशन हैं, यू कैन राइट अस एट mathematics@thepublisher.com। अल्लाह हाफिज़।